जो समान काम समान वेतन के लिए शिक्षकों के द्वारा जो मांग किया गया उसमें भी लाठी के द्वारा पीट पीट करके नीतीश कुमार के सरकार ने भगा। या महागठबंधन किसी जाति से संबंधित है, मैं इस बात को खंडन कर देना चाहता हूं। कई जिलों में कई प्रखंडों में घूम घूम करके मैंने देखा इस बार की जो लड़ाई है उसमें कहीं कोई जाति पाति। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र। चुनावी जैसे जैसे नजदीक चुनाव आते जा रहा है वैसे वैसे चहलकदमी भी तेज होती जा रही है। बाबूबड़ी में जदयू के एक कद्दावर नेता राजद ज्वाइन किए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही कि चुनाव के समय में राजद ज्वाइन किए। सबसे पहले आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से समय दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक आपने एक सवाल रखा कि आपने जदयू छोड़ने का काम किया, जदयू की जो स्थिति थी 15 वर्षों में जो स्थिति बनी वो छुपी गुस्तम बात नहीं है। देश दुनिया की हालात जो 15 वर्षों में जनताओं को सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दा में ठगने का काम किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक एक गरीबों को उन्होंने वादा करके वोट लिया कि मैं 15 लाख रुपया खाते में देने का काम करूंगा, ये भी एक निकम्मी हुई। आज तक किसी भी गरीबों को एक भी रुपया खाता पे नहीं आया, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा की मामला हो, बेरोजगारी की मामला हो, कल कारखाने की मामला हो, जो भी मामला हो, आज तक लोगों ने उन पे विश्वास, गरीब गुरबा नौजवान किसान मजदूर, उन्होंने एक विश्वास रख करके उन्होंने उनको 15 साल अपनी बहुमूल्य वोट दे करके उनको सरकार बनाने का काम किया। और उन्होंने आज तक जो धरातल पे वह काम है जो अभी देखने को मिल रहा है, चाहे वो आप शिक्षा विभाग की मामला ले गए, शिक्षा विभाग में जो स्थिति बनी हुई है विद्यालयों को में, वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए विद्यार्थी जाते हैं स्कूल में, शिक्षकों ने सिर्फ MDM का कागज पे बिल बनाने में लगे हुए हैं, बच्चों को हमारे जो गरीब गरीबों के जो बच्चे हैं उनको पठन पाठन से कहीं ना कहीं लाभ नहीं पहुंच रहा है, बड़े पूंजीपति के बच्चे एक भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये भी देखा जा रहा है आने वाले दिनों में जो समान काम समान वेतन के लिए शिक्षकों के द्वारा जो मांग किया गया उसमें भी लाठी के द्वारा पीट पीट करके नीतीश कुमार के सरकार ने भगाने का काम किया, वहां भी कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी अपमानित करने का काम किया गया। आया जाए जहां तक शिक्षा के बात के बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी, तो उसमें भी देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है आज तक, जो भी मधुबनी जिला की क्या बात किया जाए, पूरे बिहार में भी किसी भी सदर हॉस्पिटल में या कोई भी हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की बहाली नहीं हुई है या महिला डॉक्टर नहीं है। हमारी और माँ बहन बहनों को जो भी आज जो समस्या आ रही है, चाहे वो डिलीवरी पेशेंट के रूप में हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पुरुष डॉक्टर ने जो है सो उनका हाथ पकड़ के नस पकड़ते हैं या इलाज करने का काम करते हैं। यही नीतीश कुमार का कहना है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत पुरुषों के द्वारा लिया जाए, अगर यहाँ डॉक्टर की बहाली होती, महिलाओं डॉक्टर की बहाली होती तो हमारी माँ बहनों की इज्जत पर्दे पोष में रहता। तो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, जहां तक आप शिक्षा मित्र की बात करें या तालीम मरकर टोला सेवक की बात करें, उनको क्या अपमानित किया जा रहा है वो छुपी हुई बात नहीं है। खास करके आजकल हमारे मुसलमान समुदायों के बीच जो स्थिति बना करके उन्होंने ठकने का काम किया, हाल फिलहाल में इन्होंने 2459 मदरसों में जो बचे मदरसों का जो था मंजूरी पेमेंट की बात की करने का काम किया, उन्होंने भी खेत खलिहान जेवर जावरात मुसलमानों को बेचवा करके उन्होंने कागज पटना के सचिवालय में जमा करवाने का काम किया, और उन्होंने वोट ठकने के लिए वोट लेने के लिए उन्होंने आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया, जिससे कहीं न कहीं मुसलमानों में भी काफी आक्रोश है। और ये जो मौजूदा सरकार है, जन विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, इस बार तमाम यहां से पूरे बिहार में एक लहर पैदा हो गई है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा लग रहा है। एक एक गरीब इस बार
तेजस्वी की सरकार बनाएंगे और इस बार गरीब उनको गद्दे से हटाएंगे और इस बार गरीबों की आवाज बुलंद होगी। माननीय राजू जी का जो सपना था 15 वर्षों में जो उन्होंने जो सपना को निराधार किया, उन्होंने खत्म किया, उसको पुनः जनताओं के द्वारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। 7 तारीख को चुनाव खत्म है, 10 तारीख को काउंटिंग है। आने वाले जो सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, खास करके नौजवानों का एक ही नारा है, आज गांव गांव घूम लीजिए, आपका बच्चा, किसी का गरीब का बच्चा बेरोजगार हो करके, कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके उन्होंने रोड पे भटक रहे हैं, आज पलायन की स्थिति है। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने क्या किया इस पलायन को रोकने के लिए, क्या कदम उठाए? मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं आपसे भी एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आपके प्रिंट माध्यम है, मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या आपकी सुरक्षा मिल रही है? ये 15 वर्षों की सरकार में दिन दहाड़े आपके प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों की हत्या हो रही है। जहां भी देखा जाए, मधुबनी में भी इस तरह की घटना हुआ है, कई जिलों में इस तरह की घटना हुई है। सुरक्षा के मान पर ही अगर सुरक्षा अगर देने की बात हुई है तो किस दिशा में सुरक्षा दी गई है? आप बाबूबरी से संबंध रखते हैं, बाबूबरी में दो बात, एक बलराजगढ़ का है और एक पिपरा घाट है, जो हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान सरकार में आप जदयू में रहे हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुई। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने विकास की मुद्दा पर बात किया, तो ये तो इससे पहले मैंने बिहार की जो स्थिति है इस पर आपको रूबहू बताया और आपने भी जानने का कोशिश किया और आपने भी समझ रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, खास करके बाबूबरही विधानसभा में, इससे पहले माननीय मंत्री जी कपिलदेव कामत जी यहाँ थे और कैबिनेट मंत्री के रूप में वो थे, अगर वो चाहते तो इस धरती को बहुत कुछ कर सकते थे। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पुत्र के मुंह में आके या वधू के मुंह में आकर के विकास का काम नहीं किया, सिर्फ विनाश का काम किया। एक बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत बहुत बड़ी एक धरोहर राजाबरही गढ़ है, इस धरती पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इनको कम मौका नहीं मिला। 15 वर्ष जनता ने उनको मौका दिया और 15 वर्ष जब उनको मौका मिला, क्या आज तक इस धरती पर आकर के उन्होंने जो आश्वासन दिए, चाहे चुनावी मुद्दा में हो, चाहे वैसे आकर के उन्होंने सर्वे रिपोर्ट करवाए, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम समाजों को, गरीब गुरबाओं को एक रोजगार मिलता। अगर वहाँ एक पर्यटन स्थल हो जाता या कोई कल कारखाना खोल जाता तो ऐसी स्थिति में गरीबों को एक रोजगार मिलने की बात होती, वह आज तक कोई इस पर अमल नहीं किया गया, जिससे बाबूबरही के तमाम, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी समुदाय के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि RJD या महागठबंधन किसी जाति से संबंधित है। मैं ये इस बात को खंडन कर देना चाहता हूँ। कई जिलों में, कई प्रखंडों में घूम घूम करके मैंने देखा, इस बार की जो लड़ाई है उसमें कहीं कोई जाति पाति की लड़ाई नहीं है। इस बार जो लड़ाई है, चाहे वो अति पिछड़ा समुदाय के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों या स्वर्ण वर्ग के लोग हों, सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। इस बार बेरोजगारी के मुद्दा लेकर के सारे लोग परिवर्तन में लगे हुए हैं, चाहे वो मधुबनी की चीनी मिल हो, उस पर भी उन्होंने कई बार चुनावी मुद्दा में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मैं इस बार जीत करके जाऊंगा तो चीनी मिल को चालू करूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उसमें कहीं भी छेप नहीं है। उनके द्वारा अगर बस चले तो जितने भी कारखाना है बेच करके, बिकन करके उन्होंने अपने जेबी भरने का काम करेंगे। आज बिहार के अंदर, चाहे वो किसी भी गांव के अंदर, बगल में आपके पिपरा घाट एक गांव मार्केट है, वहां त्रिवेणी नदी के रूप में जाने जाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। आने वाले दिनों में पूर्णिमा मेला का आयोजन होगा वहाँ। कमला बयान, सुनी नदी, तीनों मिल करके देश विदेश से लोग आते हैं। आप कहेंगे कि देश विदेश क्यों, बगल में हमारे नेपाल है, उधर से भी लोग आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। यहाँ लोगों को सुविधा है, लोगों को इससे ये होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं भगवान को किसी न किसी रूप में मुझे आश्रय मिलेगा। तो मैं कई बार, चाहे बगल के विनोद नारायण झा मंत्री जी हों या स्थानीय मंत्री जी हों, चाहे वो बगल के लक्ष्मेश्वर राय जी मंत्री जी भी हों, कोई भी मंत्री हों, हाँ, उन्होंने आए, आश्वासन दिए, सिर्फ आश्वासन दे करके चले गए। आज तक
इस धरती के लिए एक भी कदम उठाने का काम नहीं किए या एक भी ईंट डालने का काम नहीं किए। इससे भी जनताओं में एक आक्रोश का माहौल है। जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव की स्थिति है, तेजस्वी की सरकार बनेगा और इस बार खास करके नौजवानों को, जो नौजवान बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, चाहे वो ममता दीदी हो, आशा दीदी हो, टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, शिक्षक हो, चाहे वो मदरसे के शिक्षक हो या संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हो, जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है, उन्हें तेजस्वी जी के द्वारा परमानेंट किया जाएगा और स्केल बेसिस किया जाएगा। और इसी आशा के साथ सारे समाज, नौजवान इस बार तेजस्वी की सरकार लाने वाले हैं और 10 तारीख को महापर्व के रूप में इस बार विदाई होगा नीतीश जी का और तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। आखिरी सवाल, बाबूबाड़ी की जनता क्या चाहती है? बाबूबाड़ी की जनता को जो 15 वर्षों में जो स्थिति हुआ है, खास करके इस विगत 5 वर्षों में जो स्थिति बना है, आज तक माननीय मंत्री जी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी के यहाँ विकास तो दूर की बात है, जिन्होंने जो वोट दिया, चाहे खास करके मैनगुटी वर्ग के लोग हों, बड़ी उत्साह के साथ, उस समय में नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे और नीतीश जी वोट लेकर के कहीं न कहीं रातों रात जो स्थिति बनाए, जनता ने उस चीज को देखने का काम किया है और देख रहा है। इस बार सारे लोग इस चीज पर उमड़ चुके हैं और इस बार उमा जी को जिताने के पक्ष में है और यहाँ इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। यहाँ भी माननीय प्रोफेसर पूर्व विधायक उमाकांत जी का जीत होगा और ऐतिहासिक जीत होगा। मैं ये स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग हों, ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक समुदाय या दो समुदाय के लोग उनको वोट दे रहे हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग इनको वोट दे करके इस बार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसके लिए सारे लोग तत्पर हैं और हमने यहाँ बगल में आपके राजनगर हैं, वहाँ की भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। वहाँ राम अवतार जी चुनाव जीतेंगे, चाहे वो लौखा लौखी का स्थिति हो, चाहे वो बिस्पी का स्थिति हो, चाहे वो मधुबनी का स्थिति हो, जहाँ का भी स्थिति जो है, उसमें सारे लोग इस बार महागठबंधन के 10 का 10 सीट जाने होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कहता है तो दिग्भ्रमित है, उन्होंने 15 वर्ष में जो कुर्सी पर बैठ करके खयाही मगाव खाया है, उसी के वजह से कुर्सी की हवा है उनको, जमीनी हवा नहीं लगा है। जमीन का जनता जो कह रहा है, जमीन की जो आवाज है, वो हवा उनको नहीं लगा है, एसी की हवा में रहे और 10 तारीख को जमीन का हवा उनको बता देगा। तो ये थे जहांगीर अली जी, हम फिर मिलेंगे किसी नए कदावर नेता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।